हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम रेनू मैम। ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठमाला, भाग दो, सप्तमह पाठ, गौ। गौ यानी कि गाय। गाय के बारे में जानते हैं, सभी जानते हैं गाय के बारे में। किसको नहीं पता होता गाय के बारे में। फिर भी अगर आपको कुछ संशय है तो आज हम आपको बताते हैं गाय के बारे में, क्योंकि गाय तो हमारी माता है। गाय के लिए, गाय के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और गाय का ध्यान रखना, गाय के बारे में हमें उसको क्या क्या खाना देना चाहिए, गाय का क्या होता है, गाय हमें क्या देती है, तो ये सब बातें हम पाठ के माध्यम से जानते हैं। गौ यानी कि गाय। दिख रही है आपको कितनी सुंदर गाय आपको नज़र आ रही है यहाँ चित्र में। इयं गौ अस्ति, यह गाय है। इयं गोपालस्य गौ अस्ति, यह किसकी गाय है। ग्वाले की, गोपाल की गाय है। अस्या द्वौ श्रृंगौ स्तः, इसके दो सींग हैं। दिख रहे हैं ये दो सींग है। द्वे नेत्रे, दो इसके आँख है। द्वे कर्णौ च, द्वे च कर्णौ स्तः, और इसके दो कान हैं। हमारे भी ऐसे ऐसे ही होते हैं, जिसके इसके सींग हैं, बस हमारे सींग नहीं होते हैं ना। अस्या चत्वारह पादा संति, और हमारे चार पैर भी नहीं होते। गाय के चार पैर होते हैं, समझ में आया। तो आपने जाना दो सींग, दो आँख, दो कान और चार पैर। चत्वारह एव स्तना अस्ति, और इसके क्या होते हैं, चार ही इसके स्तन होते हैं। अस्या वर्ण श्वेत अस्ति, इसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद है। गौ कपिला अपि भवति, गाय को कपिला भी कहा जाता है। इयम तृणम खादन्ति, ये क्या खाती है, घास खाती है। मधुरम दुग्धम च ददाति, और मीठा दूध देती है। दुग्धेन दधि भवति, दूध से क्या बनता है, दही बनती है। वयम मिष्ठान्नानि भक्ष्यामे, हम क्या करते हैं, मिठाई खाते हैं। दूध से मिठाई भी बनती है ना, हम मिठाई खाते हैं। मिष्ठान्नानि दुग्धेन एव निर्मितानि भवन्ति, मिठाइयाँ भी दूध से ही बनी हुई होती हैं। अस्य दुग्धम स्वास्थ्यवर्धकम भवति, इसका दूध हमारे स्वास्थ्य की बहुत रक्षा करता है। हमारा स्वास्थ्य बढ़ाने वाला, उत्तम स्वास्थ्य देने वाला गाय का दूध होता है। इमाम जना माता इति कथयन्ति, लोग इन्हें क्या कहते हैं, माता भी कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना गौ माता, लोग इन्हें माता भी कहते हैं, क्योंकि इनका दूध हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है। दूध से दही बनती हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, और कितने सारी चीज़ें हैं जो दूध से बनती हैं। और ये सब मिठाइयाँ आप देख रहे हो, ये सब दूध की बनी हुई मिठाइयाँ हैं। बड़ा पौष्टिक होता है गाय का दूध। जो लोग गाय का दूध पीते हैं उनकी बुद्धि भी हमेशा अच्छी ही रहती है, इसलिए हमेशा गाय का दूध पौष्टिक होता है, गाय का दूध ही हमें पीना चाहिए। तो बच्चों, पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं कठिन शब्द, और उनके अर्थों के बारे में जानते हैं। कठिन शब्द है गौ। गौ क्या है, गाय। अस्या माने इसके, द्वौ श्रृंगौ माने दो सींग होते हैं, द्वौ कर्णौ माने दो कान, चत्वारह चार पादा पैर, एव माने ही, स्तना इसके थन, वर्ण रंग, श्वेत सफ़ेद, कपिला भूरे रंग की, आप अपि भी, मधुरम माने मीठा, दुग्धेन माने दूध से, दधि दही, मिष्ठान्नानि यानी कि मिठाइयाँ, निर्मितानि बनी हुई, स्वास्थ्यवर्धकम माने स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला, उत्तम स्वास्थ्य देने वाला, इमाम माने इमे या इसको, इसे या इसको, कथयन्ति माने कहते हैं। तो इस प्रकार हमने बच्चों पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थों के बारे में जाना। अब हम कुछ अभ्यास कार्य है पाठ में आया हुआ, उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि इसका अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, प्रश्न उत्तर है, कस्य गौ अस्ति, किसकी गाय है, गोपालस्य, गोपाल की गाय थी ना ग्वाले की, गोपालस्य गौ अस्ति, गोपाल की गाय है। दूसरा है फिर गौ कति पादा संति, गाय के कितने पैर होते हैं, चत्वारह, चार पैर होते हैं ना, पादा संति, चार पैर
होते हैं। गौ दुग्धम कीदृश भवति, गौ का दूध कैसा होता है? गौ दुग्धम पौष्टिक मधुर च भवति, मीठा और पौष्टिक होता है। गौ दुग्धम किम निर्मितानि भवन्ति, गौ दुग्धेन मिष्ठान्नानि निर्मितानि भवन्ति, गौ दुग्धेन मिष्ठान्नानि निर्मितानि भवन्ति। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए प्रश्न और उनके उत्तरों के बारे में जाना। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। इयम गोपालस्य, यह गोपाल की क्या है? गौ अस्ति। अस्या वर्ण है, इसका रंग कैसा है? श्वेता अस्ति। इयम डैश खादती, ये क्या खाती है? तृणम, घास खाती है। दुग्धेन स्वास्थ्य वर्धकम, भवति। इमाम जना कपिला कथ्यन्ति, इमाम जना कपिला कथ्यन्ति। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 3, बच्चों सही उत्तर चुनकर सही विकल्प देकर उनका उत्तर लिखना है। जैसे पहला है गौ अपि भवति, क्या कपिला महिषी या गौ? क्या होती है? गौ अपि भवति कपिला। तो यहाँ हम निशान लगाएंगे कपिला पर, सही का निशान लगा देंगे। अस्या चत्वारि सन्ति, क्या पादा स्तना या इति द्वौ? ये दोनों पैर भी 4 होते हैं और स्तन भी होते हैं। अस्या दुग्धम भवति हानिकारक या बुद्धिवर्धक या स्वास्थ्यवर्धक? क्या होता है? स्वास्थ्यवर्धक। तो हम यहाँ स्वास्थ्यवर्धक पर निशान लगाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 4 है हमारी, हिंदी में अनुवाद करिए। गौ मधुरम दुग्धम ददाती, गाय मीठा दूध देती है, मीठा दूध देती है, गाय मीठा दूध देती है ना। गौ कपिला अपि भवति, गाय कपिला भी होती है, यानी कि भूरे रंग की भी होती है गाय, इसको इसलिए इसको कपिला भी बोलते हैं। अस्या चत्वारा स्तना सन्ति, इसके 4 थन होते हैं, इसके 4 थन होते हैं। अस्या दुग्धम स्वास्थ्यवर्धकम भवति, इसका दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है। एक्सरसाइज नंबर 5 है बच्चों, निम्नलिखित पदों के विभक्ति और वचन लिखने हैं। यह पद है गोपालस्य, षष्ठी विभक्ति है और वचन 1 है, एक वचनम। द्वितीय विभक्ति द्विवचन, मिष्ठान्नानि बहुवचन, दुग्धेन तृतीय विभक्ति एक वचन। एक्सरसाइज नंबर 6 है बच्चों, वाक्य बनाने हैं हमें, वाक्य वही छोटे छोटे बनाने हैं। श्वेता गौ वर्ण श्वेत भवति, तृणम गौ तृणम खादति घास खाती है, दुग्धम अहम दुग्धम पिबामि अहम दुग्धम पिबामि भक्ष्यामे, वयम फलम भक्ष्यामे,
तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए वाक्य, छोटे छोटे वाक्य बनाए हैं। आप स्वयं अपने हिसाब से भी वाक्य बना सकते हैं और निम्नलिखित पदों की विभक्ति और उनके वचन भी लिखे हैं। अब हमारा रचनात्मक कार्य होता है एक्टिविटी। गाय पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं बहुत अच्छे से, और आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। और 5 वाक्य लिखकर अपने अध्यापक या अध्यापिका को दिखाइए कि, और गाय का चित्र भी बनाइए, ठीक है। और हम नेक्स्ट पार्ट में बच्चों आपसे फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए आभार।